हरिओम श्री गणेशाय नमः। बोल सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री राधे श्याम रामायण में आज से पंचवटी का प्रसंग शुरू हो रहा है, जो कि दो भागों में होगा। जिस दिन से आकर में राम सच्चिदानंद चित्रकूट में तभी से रहे नित्यानंद। ऋतु फल फलने लगे 12 मास बहार। मुनियों की नाई करे वन में राम बिहार। एक दिवस फूल कुछ रघुनंदन चुन लाए श्री सीता जी को। अपने हाथों गहने बनाए पहनाए श्री सीता जी को। सुंदर गुलाब का शीश फूल कटियां कमलों की कलियां हैं। मोतिया पिरोया बाल बाल बालियां जूही की लड़ियां हैं। झूमर भन भूमि सूर्यमुखी झुमके जमके दाऊदी के। गुलनार गले का गुलूबंद और कर्ण फूल गुल मेहंदी के। चंपा कलियों की चंप कली कंठी कमनीय केतकी की है। हार हार श्रृंगारों के माला मनहरण माल श्री की। पहुंची पोई पचरंगे की जल तरंग के जोशन साजे। बेला जब बाजू बंद बना तो कलगे के कंगन साजे। प्यारा पच लड़ा सेवती का सत लड़ा सुघर गुल केली का। जुगनू जब बना चांदनी का तो तोड़ा हुआ चमेली का। तागड़ी सजाई गेंदे की पाजे में बनी मोगरे की। दाना लाला के छड़े कड़े झांझे जनकाई मरुए की। यूं फूले फूलों से सज कर जब फूली फूलों वाली वह। तब मंद मंद मुस्करा उठा फूलों का मालिक माली वह। इतने ही में काग एक आया पंख पसार। वन देवी के चरण में चला चोंच एक मार। देख नीच की नीचता को पे कुछ रघुराय। बाण बना एक सींक का चटपट दिया चलाए। प्यारी के प्राणनाथ जी ने कर दी वह बला हवा पीछे। जाता है जहां जहां कागा रहता है बाण लगा पीछे। आंधी की तरह शीघ्रता से जब कागा बढ़ता जाता था। बादल की तरह साथ ही में वह बाण भी बढ़ता जाता था। तीनों लोकों में भ्रमा फिरा यह दुख हर सकता कोई नहीं। आकाश हिमालय वरुणा
कर सकता कोई नहीं। सब ओर से जब आशा टूटी चिल्लाया चोंच फाड़ करके, पा सकता है क्या चैन भला सज्जन से खल बिगाड़ करके। नारद मार्ग में मिले कहा जाए यूं त्रास, बाण जिस बलवान का जाओ उसी के पास। सुन के इस उपदेश को पलटा चक्कर खाए, त्राही माम के राम के गिरा चरण में आए। कृपा दृष्टि कर राम ने हर ली उसकी व्यात, एक नैन को फोड़ कर क्षमा किया अपराध। यह इंद्र कुमार जयंता था आया था राम परीक्षा को, अभिमान के कारण आंख गई ले गया साथ इस शिक्षा को। अपने घमंड में दुष्ट लोग औरों को नहीं देखते हैं, उस समय ज्ञान कुछ होता है नीचा जब कहीं देखते हैं। इतने पर भी वह अच्छे हैं जो ठोकर खाए संभलते हैं, हैं कर्महीन जो गिर कर भी आदत को नहीं बदलते हैं। चित्रकूट में इस तरह रहे खूब असुरारी, नित्य दर्शनों के लिए आते थे नर नारी। धीरे धीरे बस गए वहाँ कई एक ग्राम, छोड़ दिया रघुनाथ ने तब वह प्यारा धाम। एक जगह रहते नहीं जम कर कभी फकीर, निर्मल कहलाता वही बहता है जो नीर। पांच कोस उस रोज चल ठहर गए श्री राम, अत्रि आश्रम में किया जाकर के विश्राम। अनसूया ने उस समय सीता को युरलाए, विमल दिव्य भूषण बसन पहराए हर्षाय। बोली सज तो गए यह गहने अपनी ठोर, किंतु नारी के वास्ते हैं आभूषण और। क्या रखा है इन चमकदार कटियों पटियों और झूमर में, यह शीश फूल सच्चा सिर का सिर झुके बड़ों के आदर में। पति धर्म श्रवण हो श्रवणों से यह श्रवण फूल अति उज्जवल हो, माथे पर तेज की बेंदी हो आंखों में लाज ककज्जल हो, शुद्धता नाक की हो बुलाक दांतों की चोभ सफाई हो। जम जाए जितेंद्रिया था का रंग यह गालों की अरुणाई हो, बाजुओं का बाजू बंद यही बाजुओं में बस तैयारियां हो।
अंगूरी के मुंदरी और छल्ले अनगिनती दस्तकारियां हो, जिन हाथों के प्यारे जेवर चक्की चरखा सिलबटना है, उनके आगे क्या चीज भला हाथ फूल चंद और कंगना है। जो हाथ दास बन कर घर के घर को रोटियां खिलाते हैं, पहुंचियां पछेली दस्ताने उनके आगे शर्माते हैं। कंठी तो यही कंठ की है, बस कंठ में मिश्री घोली हो, यह गले का सच्चा गुलूबंद सच्ची और मीठी बोली हो हृदय पे श्रद्धा का जुगनू जड़वा हमेल गंभीर तकी, सत्यता मोतियों की माला और चंपा कली धीरता की, पति प्रेम का चंदर से निहार गर्दन पर और जिगर पर हो, पति व्रत और ब्रह्मचर्य व्रत की निर्मल कौंधनी कमर पर हो, पति आज्ञा में जम जाए पाव पाव, यह लच्छे छड़े हैं पाँव के, सन्मार्ग पे चलते रहे पाँव, यह बिछुए कड़े हैं पाँव के, लज्जा की तथा शील की जब साड़ी और चोली शोभित हो, तब देख देख उस नारी को देवियां स्वर्ग की लज्जित हो, यही नारी जाति के भूषण और श्रृंगार हो जाती है प्रकृति भी जिन्हें देख बलिहार, पर ऐसे श्रृंगार में है कितनी लवलीन, जग में तो हो रही है नारी जाति शौकीन, फरमाइश पूरी होती है पर टेव न जाती रोने की, बन गए हाथ के ठोस कड़े तो चाहिए तगड़ी सोने की, पति चाहे शम करते करते मर जाए या बीमार रहे, पर नारी यही चाहती है डोडी पर खड़ा सुनार रहे, साड़ी महीन हो रेशमीन बस ऐसा साज सुहाता है, निर्लज को इतनी लाज नहीं सारा शरीर दिखलाता है, उठते जाते हैं दुनिया से पहनावे पतिव्रताओं के, बढ़ते जाते हैं घर घर में सारे सजाऊ गणिकाओं के, यदि यही हालत रही तो फिर दुर्गति होगी अबलाओं की, जो जाति शिरोमणि है अब तक कहलाएगी जूती पाँव की, पति की बैठक हो चाहे बाहर की चौपाल पर नारी को चाहिए सुंदर भवन विशाल, बढ़िया से रंग महल में हो मखमली बिछोने बिछे हुए, तस्वीरें हो आईने हो गुलदस्ते भी हो सजे हुए, प्रिय पान दान और इत्र दान चौकियों
के ऊपर साजे हो, हो खेलने को मैं ना तो तेजी बहलाने को बाजे हो, ऐसे ठाठों से बनठन कर मन में सुख पाती है नारी, श्रृंगार को अपने देख देख फूली न समाती है नारी, उस समय मुस्कुरा देती है जब बाहर से पति आता है, बस इतनी ही सेवा पूजा पाती व्रत धर्म कहता है, सिया न तुमको दे रही शिक्षा में लवलेश, इसी बहाने कर रही दुनिया को उपदेश, चार भांति की नारियां हैं इस जग के बीच, अति उत्तम है प्रथम फिर उत्तम मध्य नीच, अति उत्तम वह कहलाती है जिसकी वस टेक एक ही हो एक ही जिसका दे ध्यान व्रत और विवेक एक ही हो, जो समझ रही हो यह मन में दूसरा न इष्ट कहीं कोई, मेरे पति के अतिरिक्त और दुनिया में पुरुष नहीं कोई, पति ही व्रत है पति ही गति है पति भीतरे और बाहर है, मैं परमेश्वर को क्या जानूं मेरा पति परमेश्वर है, कैसा पूजन और उद्यापन तारायण या चंद्रायण है, मेरा वैकुंठ तो घर ही है जिसमें मेरा नारायण है, इतने उच्च विचार की अति उत्तम कहलाए, अब उत्तम की धारणा कहती हूँ समझाए, उत्तम पति को पति जानती है पति जान के सेवा करती है, पति को प्रसन्न रखने के लिए सारी परिचर्या करती है, पति के अतिरिक्त दूसरों को भाई की तरह जानती है, जेठों को पिता समझती है छोटों को पुत्र मानती है, पति के संकट की साथिनी ओ पत्नी का धर्म निभाती है, पति सुखी रहे इसलिए नित्य देवी देवता मनाती है, बूढ़ा अंधा पति पाकर भी कर्तव्य का पालन करती है, पति के जीने पर जीती है पति के मरने पर मरती है, यह है उत्तम नारी का धर्म कर्म और ज्ञान, अब मध्यम की बात भी सुनो लगा कर ध्यान, दूसरों की देखा देखी जो कर्तव्य को पाले रहती है, लज्जा लालच से या भय से निज धर्म संभाले रहती है, चंचल मन के होने पर भी संगति के कारण नीकी है, ऐसे आचरणों की नारी जग में मध्यम श्रेणी की है, इससे नीचे नारी जो वह निकृष्ट कहलाए,
जाति वर्ण कुल जन्म पापिन सदा लजाय, नारी का पति वंचक हो दोना दोनों ही लोक बिगड़ना है। इस लोक में लोग हसाई है पर लोक में नरक यातना है। व्यभिचारिणी नारी को दुनिया में कहता है नहीं भला कोई, दरबार में परमेश्वर के भी करता है क्षमा नहीं कोई। इसलिए उचित है नारी को बस धरे धर्म का ध्यान बहुत, यदि धर्म है तो धन धाम बहुत, आराम बहुत, संतान बहुत। पति की सेवा ही नहीं है केवल एक कर्म, और भी है संसार में कुछ नारी के धर्म। गौरी शंकर की भांति सदा जब सास ससुर की सेवा हो, तब गण नायक की तरह सफल पति देव की पूरी पूजा हो। घर में जो भी हो, नणंद बहू देवरानी या जेठानी हो, उन सब की दासी बन जाए तब नारी घर की रानी हो। बाहर से आया हुआ नाज घर ही में दला जाएगा, जब घर ही में सूत कात करके घर ही में बुना जाएगा, जब घर ही का काम यार धंधा, जब धर्म हो अष्ट प्रहरी उसका, तब घर वाली गृह लक्ष्मी हो, घर स्वर्ग से हो बढ़ करे उसका। एक और भी मुख्य है नारी जाति का कर्म, बच्चों का पालन सदा समझे पहला धर्म। परलोक के नाते उच्च धर्म पति धर्म ही समझा जाता है, पर देश में उससे भी ऊंचा संतान धर्म कहलाता है। कारण नारी से देश सदा उत्तम संतान चाहता है, पत्नी पर दृष्टि नहीं उसकी, माता गुणवान चाहता है। संतान हेतु ही होती है संसार में सृष्टि नारियों की, है प्रकृति पापिनी पड़े नहीं यदि इस पर दृष्टि नारियों की। इसलिए धर्म है नारी का संतान कवे पालन समझे, जननी का जग के देने को जननी का जननीपन समझे। अनसूया और सिया में प्रेम पूर्ण सालाद, बड़ी देर तक रहा यह शिक्षा प्रद संवाद। अति रघुवर से मिले उधर प्रफुल्लित गात, फिर वर्णन करने लगे कुछ पुरुषोचित बात। हे राम तुम्हारे द्वारा एक जग को संदेश सुनाना है, कर्तव्य पतित नर मंडल को किंचित उपदेश सुनाना है। नारी समाज को पुरुष लोग अपनी जागीर समझते हैं,
अफसोस है अपने को ऊंचाई और उसे हकीर समझते हैं। यह नहीं जानते हैं वे नर कितना गहरा अनुराग उसका, संसार में और गृहस्थी में किस पाए का है भाग उसका। अर्धांगिनी की पदवी देकर झूठा सत्कार कर रहे हैं, सहधर्मिणी पद के पर्दे में एक अत्याचार कर रहे हैं। वह भीषण दुख भरी गाथा बस नहीं कथन में आती है, पत्नी के नाम से नारी की जैसी दुर्गति की जाती है। अपने को तो सब तरह रखे पूर्ण स्वतंत्र, किंतु नारी का कर दिया धर्म रहे परतंत्र। तुम पतिव्रता पतिव्रता हो यह उन्हें सिखाया जाता है, पर अपने पे जब आती है तो कान चुराया जाता है। यदि अपने 100 भी ब्याह करें तब भी होता व्यभिचार नहीं, नारी को कुछ भी दोष लगा तो जीने का अधिकार नहीं। बाहर के नाना दोषों से जीवन गंदा करने वालों, इस दुनिया के दुर्वसनों पर मोहित होकर मरने वालों, सीखो तुम जाति से नारी की संसार में सच्चा धर्म क्या, क्या प्रेम है क्या है सहन शक्ति सेवा है क्या है और शर्म है क्या। अत्री ने तब तक किया यह वार्तालाप अनसूया के कासिया से जब तक रहा मिलाप, कई रोज यूं ही रहा सम्मेलन संवाद, विदा मांग कर एक दिन चले राम सालाद। सीता लक्ष्मण के सहित रघुकुल कैरव चंद नित्य विचरते थे यूं ही वन में हो स्वच्छंद। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम, बोसियापति राम चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।